ऊपर से चुनती है, जिसे भी वे हरी झंडी देंगे। अच्छा कौन है, क्या नाम है उनका? रामवीर, रामवीर बतावे, मुझे तो पता नहीं इस बारे में, क्योंकि मेरे से कई बार लोगों ने कहा मिलना चाहा, मेरे से क्यों मिलना चाहा, भाई पार्टी में सम्मिलित तो होना हो तो स्वागत है, आ जाओ। टिकट का निर्णय मैं थोड़ा ही करता हूँ, हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं दिल्ली, हमारी मतलब है पूरी राष्ट्र कमेटी बैठती है, वहाँ चुनाव का और टिकट का जो है वहाँ प्रस्ताव पास होता है। अभी तक जिले का संगठन भी साथ नहीं है? नहीं नहीं, कोई साथ नहीं है। मेरे जिले का पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा और करता रहेगा। मैं सबसे पहले बागपत के सभी लाखों किसानों की तरफ से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का उनका मैं अभिनंदन करता हूं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से दुनिया भर के अंदर चीनी का जो रेट चल रहा है, जो भाव चल रहा है, उसके हिसाब से देखिए, हम सबकी इच्छा है, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, हम लोग चाहते हैं कि बहुत भाव है, लेकिन सब बातों का ध्यान में रखते हुए 20 रुपये जो बढ़ाया गया है, एक क्विंटल के ऊपर जो बढ़ाया गया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा विश्वास है, और मेरा विश्वास नहीं, ये जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हमारे किसानों की आमदनी को बहुत ही जल्दी जो है वो डबल किया जाएगा, दुगना होगा। वैसे बागपत के अंदर तो इस प्रकार से विकास की गंगा बही है, और मैं जमीनों का जो रेट है दुगना नहीं, यहाँ 10-10 हो गया क्या भाई? देखिए 500 वर्षों के लंबे संघर्ष और हजारों बलिदानों के बाद इस बार कोर्ट कचहरियों के सैकड़ों वर्षों के चक्कर काटने के बाद जिस कालखंड के हम लोग सब साक्षी बनने जा रहे हैं, वह समय आ गया, पुण्य क्षण आ गया 22 जनवरी को, जब अयोध्या के अंदर भगवान राम के मंदिर में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा, पूरा देश न केवल बागपत राम में बनता जा रहा है, देश के लाखों मंदिरों के अंदर उस दिन LED स्क्रीन लगा करके करोड़ों राम भक्त भगवान राम की उस प्राण प्रतिष्ठा का दर्शन करेंगे, उसके साक्षी बनेंगे। बागपत के अंदर पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर, भगवान शिव का मंदिर पूरा महादेव, यहाँ बागपत जिले का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा, जहाँ पर दोपहर से पहले ही एक अच्छा कार्यक्रम होगा, जहाँ हजारों लोग उसमें भागीदार बनेंगे, एक अच्छे कलाकार भी उसके अंदर आएंगे, और जब प्राण प्रतिष्ठा का समय होगा वहाँ LED स्क्रीन लगा करके अयोध्या के हम सब लोग या भगवान रामलला के दर्शन वहाँ पर हम लोग कर सकेंगे। गरीब लोगों के लिए, हजारों लोगों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है, और शाम के समय मैं आप लोगों के माध्यम से जहाँ हम लोग पूरा महादेव के अंदर हजारों दीपक जला करके दिवाली मनाएंगे, भगवान राम के आगमन का हम सब लोग मिलकर के उनका सम्मान करेंगे, उसी तरह से प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक कॉलोनी में, जहाँ जहाँ भी हमारे मंदिर हैं, उन मंदिरों में हम लोग जो हैं अपने LED स्क्रीन लगा करके प्राण प्रतिष्ठा के समय हाजिर रहेंगे, और शाम के समय सभी लोगों से मेरी विनती है, एक अपील भी है, कि ऐसा समय, ऐसा कालखंड व्यक्ति के जीवन में बड़ी दुर्लभता से मिलता है, वो समय हम लोगों को मिल रहा है, तो उस दिन शाम को सब लोग अपने घरों में और सामूहिक रूप से भी दिए जला करके एक नई दिवाली मनाएंगे, एक ऐसी दिवाली भगवान राम के साथ ये दिवाली मनाई जाएगी, और पूछा कि उसका संदेश जो है, वो संदेश जो इसको हम अमृत काल कहते हैं, इस अमृत काल की शुरुआत है, इसको उषा काल की शुरुआत हम कह सकते हैं, एक सूर्य का आपको मालूम है, भगवान राम को सूर्यवंशी कहते हैं, एक सूर्यपुंज के रूप में भगवान राम आ रहे हैं, हमारे देश के अंदर जितनी भी गंदगी है, जितनी भी गरीबी है, जितने भी अपराध और आतंक है, जातिवाद और संप्रदायवाद है, उन सबको ख़त्म करके 2047 तक इस देश को हम पूर्ण विकसित बनाएंगे, और मैं बागपत की तरफ से, पूरे बागपत के जनता नागरिकों की तरफ से,
ये जिसके हम साक्षी बन रहे हैं, ये समय देने के लिए, इस कालखंड का इस स्वर्णिम युग की शुरुआत करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ, उनका मैं बहुत आभार भी करता हूँ। बताया जा रहा है कि 22 तारीख को 1 लाख दिए पूरा महादीप पर जलाने जा रहे हैं। देखिए, दीवे जलाना एक अलग बात है और भगवान जी को मानना सबका काम है, उसे कोई नहीं रोक सकती। रही हमारी पार्टी की बात, हमारी पार्टी सभ्य पार्टी है और ऊपर से जो आदेश आता है उसी के अनुसार प्रत्याशी होता है। ये सब झूठ सजा आप लोगों ने देखा होगा, कुछ दिन पहले तक मेरे जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उसका भी पोस्टर पर फोटो नहीं था, क्योंकि उन्हें प्रोटोकॉल का पता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में उन्हें नॉलेज ही नहीं है। उसके बाद अब भी आप देख रहे होंगे जिला अध्यक्ष है, प्रोटोकॉल में जिले का होता है, शायद मेरा भी फोटो उस पर नहीं होगा। नहीं है तो कई तरह के तुतवे घूमते रहते हैं, चुनाव है, कई तरह की बात होती है। हमारे मान्य क्षेत्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो पहले मुझे सूचना देंगे, आएंगे मैं उनके स्वागत के लिए उन्हें रिसीव करके लाऊंगा। कोई ऐसी पार्टी थोड़ा है कोई ऐसे ही आज अगर कोई वैसे ही हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और रही प्रत्याशी की बात, प्रत्याशी तो हमारी पार्टी ऊपर से चुनती है, जिसे भी मैं हरी झंडी देंगे। अच्छा, कौन है, क्या नाम है उनका? रामवीर, रामवीर बतावे, मुझे तो पता नहीं इस बारे में, क्योंकि मेरे से कई बार लोगों ने कहा मिलना चाहा, मेरे से क्यों मिलना चाहा, भाई पार्टी में सम्मिलित तो होना हो तो स्वागत है, आ जाओ। टिकट का निर्णय मैं थोड़ा ही करता हूँ, हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं दिल्ली, हमारी मतलब है पूरी राष्ट्र कमेटी बैठती है, वहाँ चुनाव का और टिकट का जो है वहाँ प्रस्ताव पास होता है। अभी तक जिले का संगठन भी साथ नहीं है? नहीं नहीं, कोई साथ नहीं है। मेरे जिले का पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा और करता रहेगा, ऐसी कोई सूचना ही नहीं है। सूचना जब आएगी आपके मध्य से ही आएगी, हमें भी, हमारी पार्टी जब दिल्ली से कोई सूचना देगी वो टीवी पे, और ज़्यादातर आप जैसे जो भाई हैं वो आप लोग भी हमें अवगत कराते हैं। ठीक है, थैंक यू।